नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं गोरखनाथ मंदिर आई हुई हूँ और यहाँ पर दर्शन कर रही हूँ और सोचा आप लोगों को भी करा दूँ। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ये भगवान शिव जी का मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये वही मंदिर है जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सेवा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। तो हम नेपाल से पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं, तो रास्ते में गोरखनाथ मंदिर मिला और हम दर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस मंदिर की खूबसूरती देखिए, मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। फ्रेंड्स, हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और सच में इस वीडियो के थ्रू मैं उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है सबको थैंक बोलना चाहती हूँ। हमारा लैपटॉप गायब हो गया था। यूपी पुलिस ने विद इन 2 आवर हमारा लैपटॉप ट्रेस करके हमें दे दिया। एक्चुअली हमारा लैपटॉप नेपाल बॉर्डर के सनौली से गायब हुआ था और हम गोरखपुर पुलिस के पास आए तो उन्होंने त्रिनेत्र योजना के तहत हमें हमारा लैपटॉप वापस किया। हालांकि हमने मन्नत भी मांग ली थी, इतना घबरा गए थे कि हमारा लैपटॉप मिल जाएगा तो हम गोरखनाथ मंदिर दर्शन करेंगे। तो अभी हम दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये गोरखनाथ मंदिर है, कितना खूबसूरत, इतना सुंदर मंदिर कि मन खुश हो जा रहा है। तो आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। ये देखिए, इस मंदिर का ऊपर हिस्सा कितना खूबसूरत है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ कैमराज अलाउ हैं, जितने भी पुलिस के लोग हैं सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही पोलाइट हैं और उन्होंने हमें कैमरा अलाउ किया। तो अभी देखिए इस मंदिर की साफ़ सफाई, सीरियसली स्वर्ग अगर कहीं है ना तो वो मंदिर में है। शिव मंदिर में तो और भी ज़्यादा सुकून और स्वर्ग है। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको कैसा लग रहा है। जब भी आप गोरखपुर जाइए तो गोरखनाथ मंदिर देखिए, उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और फ्रेंड्स, ये ऐसा मंदिर है ना जहाँ पे साफ़ सफाई के साथ साथ एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यहाँ की खुशबू मैं बता रही हूँ जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, आई विश आप भी इसे फ़ील करो। यहाँ की खुशबू में ना एक अलग सा स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी है। एक चीज़ और, इस मंदिर में कोई भी मन्नत मांगता है तो कभी खाली नहीं जाती। तो अभी आप देखिए सामने गोरखनाथ बाबा जी, और ये देखिए यहाँ पर अलग अलग योगी जी की प्रतिमा बनी हुई है, सबको नमस्कार कीजिए। ये प्रतिमा है श्री योगी भृतहरिनाथ जी की। जितने भी हमारे योगी जी लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए, जगत कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उन सब की प्रतिमा बनी हुई है। तो आप देखिए इस मंदिर की खूबसूरती। तो अभी ये सभी लोग अल्टीमेटली भगवान शिव को प्राप्त हो चुके हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, इतना सफाई है इस मंदिर में। और ये मंदिर 52 एकड़ में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं इस मंदिर की खूबसूरती। तो अभी हम थोड़ा सा गणेश जी के मंदिर की तरफ चलते हैं। ये देखिए गणेश जी का मंदिर, आप मंदिर की फर्श को देखिए, इतना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, गोरखनाथ मंदिर में थोड़ा सा चेकिंग वगैरह ज़्यादा है, आप कितने भी भारी लगेज लेकर जाओगे तो यहाँ पे सब ओपन करा लिया जाता है लगेज गेट पर ही, और तब अंदर जाने दिया जाता है। तो अभी हमने मंदिर के दर्शन कर लिया, पूजा कर लिया और अब हम बाहर आ रहे हैं। अब बाहर आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा मंदिर के, आप देख सकते हैं मंदिर की खूबसूरती। एक चीज़ मैं बताऊँ कि इस मंदिर में आप जो भी मन्नत मांगेंगे वो सारी चीज़ें पूरी होंगी, इतना तो 100% है। हमारे साथ एक छोटी सी जो ट्रेजेडी हुई थी, हमारा जब लैपटॉप गायब हुआ था हमने सोचा नहीं था, बस हमारे दिमाग में यही आया कि गोरखपुर आए हैं भगवान, तो ऐसा ना हो हमारा लैपटॉप मिल जाए, हम गोरखनाथ मंदिर दर्शन करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 2 आवर्स हमें हमारा लैपटॉप मिल गया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा हनुमान मंदिर, अब चलते हैं हनुमान मंदिर की तरफ। हमने वहाँ पर दर्शन कर लिया, आप थोड़ा सा आपको बाहर दिखा रहे हैं। ये जो सामने मंदिर है ये अभी बन रहा है,
सीरियसली यहाँ पर आने के बाद यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की हवाएं एक अलग सा अंदर से मोटिवेशन देती हैं, पॉजिटिविटी देती हैं और भी आध्यात्मिक बनाती हैं इंसान को। एक चीज़ तो सच्चाई है, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, अल्टीमेटली उनका जो मोटिव होता है वो हमें स्पिरिचुअल रास्ते पर ले जाना होता है, अच्छाई के रास्ते पर। हमारी लाइफ में जब ट्रेजेडी हुई तो हम क्या था कि नेपाल से पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके आ रहे थे और हमने सोचा कि अब अगली बार गोरखनाथ दर्शन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम थी। बट जब लैपटॉप गायब हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि पक्का भगवान चाहते हैं कि हम दर्शन करके जाएँ। तो गायब तो हुआ लेकिन 2 घंटे के बाद हमें मिल भी गया, तो इस चीज़ का हमें बहुत ही खुशी थी। तो जब मिल गया तो हमने कहा सबसे पहला काम यही है कि सुबह बाबा गोरखनाथ के दर्शन करके जाने हैं। तो कभी भी प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं, भगवान की शरण लेना, भगवान का नाम जपना, अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। कुल मिला करके ये बताना चाहती हूँ मैं। ये तो हमारे साथ थोड़ा छोटे लेवल पर हुआ, कई बार बड़े लेवल पर भी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में, तो उस सिचुएशन में भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बस भगवान का नाम लीजिए, भगवान आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी मंदिर सुबह का टाइम है, साफ़ सफाई हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी बाबा जी को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतना ज़्यादा एफर्ट किया, मंदिर हो या फिर नदी हो, सब जगह साफ़ सफाई मिलती है। और आपको सबसे प्लस पॉइंट बताती हूँ गोरखनाथ मंदिर का, कि आप अपना सामान कैसे भी रख दो सेफ़ रहेगा, सेफ्टी की तो यहाँ पे गारंटी है, कभी कोई चीज़ गायब नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्लस पॉइंट लगा मुझे। यहाँ की हवाओं में ऐसा फील होता है जैसे साक्षात महादेव हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देखिए कितना साफ़ सफाई है इस मंदिर में, कितनी अच्छा सीन है। तो अभी हम थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर भैरव बाबा जी का मंदिर है। एक्चुअली हम कैमरा नहीं निकाले वहाँ पर, कैमरा अलाउ है बट क्योंकि हम पूजा कर रहे थे इसलिए कैमरा नहीं निकाले। तो वहाँ पे क्या करना होता है, आपको त्रिशूल मिलेगा, तो जैसे जिसकी जो भी मन्नत होती है वो त्रिशूल को उस भैरव बाबा के मंदिर में गाड़ करके उसको बांध दे और उसकी कहते हैं साल भर के अंदर मन्नत पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा हमारा गोरखनाथ मंदिर का दर्शन, अब चलने का टाइम हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में अपने पशुपतिनाथ दर्शन के बारे में बनाऊँगी और गुप्तेश्वर महादेव के बारे में जो मैं नेपाल गई हूँ। तो आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। जाते जाते मैं मंदिर के थोड़े और नज़ारे दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जितने भी पुलिस कर्मी हैं सब आ करके मंदिर में सुबह मस्तक झुकाते हैं, इतना साफ़ सफाई, इतना फ्लावर, मतलब इतनी ग्रीनरी है ना, जैसे लगता है कि किसी बहुत बड़े से पैलेस में आए हुए हैं, इतना सुंदर नज़ारा है इस मंदिर का। एट लास्ट मैं योगी बाबा जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई डोंट नो मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचेगा कभी या नहीं, बट थैंक्स योगी जी, आपने सच में बहुत काम किया। स्पेशल थैंक्स टू गोरखपुर पुलिस जिनकी वजह से हमारा लैपटॉप मिला। और मैं सभी को कह रही हूँ कि जिन लोगों की भी कोई भी मन्नत है जो पूरी नहीं हो रही है, एक बार गोरखनाथ मंदिर का दर्शन ज़रूर करें, सबकी सारी मन्नत भोलेनाथ पूरी करेंगे। फ्रेंड्स जब भी जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि इस यहाँ पर चेकिंग थोड़ा ज़्यादा होती है, फ़ोन तो अलाउ होते हैं बट कोई भी लाइटर, नाइफ या इन सब टाइप की चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए, नुकीली चीज़ें। और अपनी एक आईडी ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।